लव्य व्यवस्था अध्याय दो, लव्य व्यवस्था अध्याय दो, अन्न बलि की विधि। और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंधित हवन ठहरे और अन्न बलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी और जब तक तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों व तेल से छुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो, उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो और वह मैदे से तेल में बनाया जाए और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुगंधदायक सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। फिर अपने सब अन्न बलि को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से सहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग से झुलसाई हुई हरी हरी बाले अर्थात हरी हरी बालों को मींच के निकाल देना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मींच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे।